4 जुलाई 2023। नियत को ठीक कर लो, नियत को साफ कर लो, नियत को पहले गंगा जल से धो लो, फिर उसके बाद दूध से धो लो और दूध के धोले बन जाओ। अगर नियत को आपने सही बना लिया तो ये देखो आमो काम बार ये खुद का पैदा किया हुआ केला, मुठिया केला जो बेग साहब पाकिस्तान के भी 4-5 साल पहले उन्होंने देखा और उसी बात की याद दिलाई। यह है मुठिया केला, पेड़ का पका हुआ केला, बाजार में किसी को नसीब नहीं होगा। और फिर यह आमों को अंबार देखो, ढेर देखो, तो वहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, और फिर इस कोने में देखो, और फिर यहाँ केले का घर देखो। ठीक, अब हम चलते हैं गार्डन में जहाँ ट्राली में लगा हुआ है आम, ठीक, उसको देखेंगे। देखिए गौ माता झांक रही, अभी इसी तरह कई आएंगी, सब या अपाहिज वाले यहाँ लेटे हुए हैं, उन्हीं को मैं कहता हूँ ये सचमुच के हनुमान के अंश हैं। ठीक, संकट मोचन। अब हम चल रहे हैं उधर, इसको बंद कर लें वरना ये कीचड़ मिट्टी खाने के लिए आ जाएंगे। इसको अच्छे लगा लें, ये देखो आमों का अंबार, ये पिंजरे में बंद है, आफत मचाए हैं। इन्हीं के लिए कल आया, आज बाद पानी बरस रहा था, नहीं अब तक वो काम हो गया होता। ये बैठे हैं, आफत मचाए हैं, महाकटाह बंदर, किसी को पास में जाने नहीं देता। उसके बाद फिर आप यहाँ देखें, कल जो 100 रुपये का आम खरीदा, ये घोड़े का डील है, रात भर घोड़ा यहीं बांध देते हैं ताकि बंदर को सहारा मिल जाए। यह आमों का अंबार देख रहे हैं सर, ये देखो नीचे भी भरा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यह है सर। अब इनको निकालना, उसी टाइप का आम हम स्वयं खाते हैं। अब यह आम है, इतना जरा सा दाग है, ये चाकू से काट दिया, बढ़िया धो लिया, टाना टाना आम निकल आया। जो बंदर खाता है वही मैं खाता हूँ, आप कहीं मार्केट में पता लगा दो। तभी हमने वो जो लोग खरीदते हैं वो मैं नहीं देता हूँ, जो बंदर खाएगा वही मैं खाऊँगा। गुठली तमाम निकल गई, फेंकी गई, पेड़ वाले ने कहा महाराज गुठली हमको हमारी यहाँ बिक जाती है, हमको चाहिए। हमने कहा ले जाओ तो मैसे ले जाओ, हम आम के आम गुठलियों के दाम, एक कहावत कही गई है। ठीक, अब यहाँ सफाई कर रहे हैं, इसी में पेड़ एक लाइन से लगाना है। चीकू है, जब आम बाजार में भरा है तो इसमें चीकू भैया भी पकते हैं, और जो महाराष्ट्र से आता है वो जाड़ों में आता है, तब अच्छा लगता है खाने में। देखिए चीकू लगा हुआ, देखिए पेड़ों के नीचे से छटाई करें, ऊपर हुआ अपना फलें जा करके। जिधर निगाह डालो, जिधर देखो उधर काम, उधर काम, वो मुसीबत है कि क्या बताने हम। अब यहाँ क्यारी बारी बनी थी, अब ये सोचा गया कि काफ़ी बड़ा लान ऐसा निकल आवे तो लोगों को ब्याह शादी में कुछ दे दिया जाए, किराए विराए पर कुछ आमदनी हो। बाकी ये सब यहाँ से वहाँ तक, ये रेलवे स्टेशन जैसा हमको छवाना पड़ा, थोड़ा उधर कुछ कसर बाकी है उसको छमाना है, तो यही मैंने दिखा दिया। अब इसी बस्ते में बूंदाबांदी होगी चाहे कुछ भी हो, निकल के जाना है। इसीलिए आज हम जल्दी जाएंगे, क्यों शाम को पता लगा तो बारिश होने लगी और लेबर को ट्रेन पकड़ना होता है कि हमको 5:30 बजे हर हालत में छोड़ दिया जाए, तो मजबूरी होती है। क्या भैया कहाँ कहाँ मार आफत ना बचाओ, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कष्ट, हम बताओ क्या बताइए क्या कर सके। आज अब तक मिस्त्री आए होते, पूरा काम अब तक काफ़ी बड़ा काम हो गया होता। अरे बिल्डिंग किया सीधा कर करके, जाल खड़ा करो, होल पास में अंदर घुसेड़ दो, ईंटा ठोंक दो, चलो एक इधर खुल गया इधर बनता,
इसी में इनको खोल दें, इतना बड़ा कमरा इनके लिए बनवा रहे हैं, कल जाली खरीद के एंगल खरीद के लाए हैं सब, और ये उन्होंने रियायत किया है काफ़ी, जो है शुक्ला आइलन रोडवेज, इस रोडवेज चौराहे के बस स्टेशन चौराहा बोलते हैं इसको, वो जाली खरीद के आई है, 2100 की जाली थी, 100 रुपया उन्होंने छोड़ा, जबकि जाली हमने बड़ी मांगी थी, उनके यहाँ थी नहीं, अब नहीं थी जो उठा के यही जाली पकड़ा दिया। चलो अब जो है सो है, क्या किया जाए, इसमें कुछ बंदर के देने के लिए एक आधा तार को कटवाना पड़ेगा, पेंट करा, कितना बवाल है, इसको कहते हैं यही धर्म, यही मानवता है, समझ गए, मरना एक से एक बड़े बड़े संत हैं, उनकी हत्या न की जाती, वो लेटे हनुमान और कौन हनुमान, 1000 साल के लिए गए श्रीमान, समझ गए, सब दिमाग से नहीं, सब कोई किताब से बात करता, अरे किताब नहीं अपने कर्म से बात करो, जहाँ देखो किताब वही किताब थी, यहाँ जैसे हमारे राजनीति में है, ये नेता वो नेता वो नेता, वो खरीद रहे हैं, वो बिक रहे हैं, वो पार्टी बना रहे हैं, बहुत तंधा समाज है, पूछे महाराज जी पहले आप जनता को बताइए कि 50 साल तक आपकी कितनी दुर्गति हुई है, अपने आप को आपने तबाह किया हो, एक फूटी कौड़ी न दिया हो, तब आप चुनाव में आ सकते हैं लड़ने के लिए, जनता को बताइए, जनता से राय लेके तब आइए, कोई नहीं बोलने वाला, और नहीं कोई बोलने वाला, देखो सौकियों की हालत देख, देखो कैसा आफत मचाए है, खाना है पीना है आम है सब दे रहे हैं, अब उस घोड़े को बुलवा दें क्या बता, नहीं है बंधवाएं नहीं, सब कीचड़ पानी करेगा वो खड़ा होकर के, है ना, घोड़ा आ जाए तो इनको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, कुत्ता जो है अंदर लेटा हुआ है, कुत्ते को बंधवाओ तो अलग चिल्लाने लगता, अच्छा कुत्ते को यहीं करवा दें, दरवाज़ा बंद करें तो यहीं बैठे वो, है ना, आ रहा है आ रहा है, उसको बुलवा रहे हैं, यहाँ पेड़ और सब हटाना बढ़ाना पिटी पिटी लगा हुआ है, चले कैमरे को रखे कहाँ तक दिखा में कहाँ तक बना में क्या क्या करें, क्योंकि अब खुद यही उघाड़े बदन है, देखिए इसी में दिन भर इनको हटाओ कटाई छटाई पढ़ाई, तब तो आपने केले का घाव देखा अंदर, पेड़ का पका हुआ केला ला रहे हैं भैया ला रहे हैं, ला के देखिए कोको कोको मचाए हैं, यहाँ से तोड़ ले केला, आफत मचाए, अब पेट भरा है, लेकिन वो आज़ादी के लिए तो कुत्ता को खोल के लाओ, फिर आ गए केला लेने के लिए, वही वो कुत्ता अंदर लेटा है का, अच्छा तो कहो घोड़े के पास, अच्छा अंधेरा और ठंडी जगह, ये यहाँ तो नहीं है, घोड़े के पास है हमारे ख्याल से, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो रात दिन यही काम, हमारा कमरा है, किस जन्म में ये सही होगा हम आज तक ना समझ पाए, एक दिन भी लगे टाइम लगेगा सब सजाने में संवारने में तुकबंदी में, एक गया दूसरा आया दूसरा गया तीसरा आया, तो रोजाना का भोज भी वो तो नियमित है, या उतावलेपन देखो, या उतावलेपन देखो, देखो ऊपर जैसे डालेंगे कैसा घसीटेगा, लो घसीट लो, हाँ घसीट लो, आम है केला है चाहे जितना खाएं, रोटी है भर पेट खाएं, बाहर रहते इनको मिलता कुछ छिलका ना मिलता, पेड़ की पत्ती भी नहीं खाती, पिटी पिटी लगा देखो गैया आके बैठ रही है, एक गाय आई अब इसी तरह दोपहर तक तमाम गाय आएंगी एक लाइन से बैठेंगी, वही जो छज्जा इतना निकला है दुर्गा मार्केट का उसी के नीचे,
जिनकी गाय है उन्होंने सब सामने की जगह, अरे ये सोच के करो भाई, सब बेचो, बेचने के पहले इनके लिए तो सोचो कुछ। अब इनको यहीं छाया मिलता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, खाना पीना वो देते हैं, लेकिन रहने की भी तो जगह बनाओ भाई। और तीन तीन चार चार गाय एक लाइन से बैठती, अभी आ रही होंगी सब, खाओ, आधा खाया आधा फेंक दिया, हाँ खाओ, हाँ अब उसके चक्कर में है, सब गिराओ। फिर इनके आगे का सब बटोरन जो है लाके यहाँ पर देते हैं, अभी खा दो, थोड़ी देर के बाद अभी घोड़े को मंगाते हैं, घोड़ा यही बांध दिया जाएगा तब इनको थोड़ी शांति मिलेगी। अब वहाँ है, अब यहाँ बीज करते हैं, बार बार उठाओ, बार बार सफाई करो, बड़ा झंझटी काम है। अमरूद के पेड़ है, उसको भी नीचे झुकवा दें, किसी तरह बाहर निकल जाए तो यहाँ छा जाएगा। जैसे चले भैया देखें, ऐसा पट्टी डाली गई है ताकि धूप में टीन जो है वो तपने लगता है। देखा, ऊपर रहाइश नहीं हुआ, अंदर जो ले गया वो नहीं खाया, ऊपर क्यों रखा हुआ है उसको घसीट लिया, निकाल लिया। ये देखो फिर उसके ताक में है और सब अंदर गिराया जाएगा। एक ये प्लास्टिक क्या बिछा हुआ है, देखो इसमें तार बंधा है, उसके चक्कर में है कि तार को किसी तरह खोल, मतलब कुछ कैसे क्या करें कि गेट खुल जाए। ये देखो ये तार खींचा जा रहा पकड़ पकड़ के, ये देखो ये सीधे तो बैठ नहीं सकता, ये देखो अब उस तार को दांत से काटा जा रहा है। आँख में न कहीं लग जाए तुम्हारे, कहीं आँख में न लग जाए, ये तार हमको दे दो, हमको दे दो तार, देखो भगा भगा भगा, हमको दे दो तार। अरे तार में क्या काट रहा है भाई, इतना ऐबहा इसको बना करके बचपन से चांडाल यहीं डाल गए, नहीं मानो कि बाबा जी को जितना झेलना पड़ रहा है 10 गुना ज़्यादा तुमको झेलना पड़ेगा। देखो तार वहीं डाल दिया, कहा ये देखो हमारे सब पीट करके बैठ गए, हमको खजवाओ, मजाल कोई आ जाए इनके पास में, ये देखो खाओ खजवाओ इनको, ये खजवाओ, ये इधर आओ, हमारे सब आके पीट करके बैठ गए कि खजवाओ हमको, क्यों इनको अगर बाहर हम निकालने गोद में ले जाएं, अरे एक दिन निकाले भैया हम लगे कि बुरी तरह से काट देगा, तब उठा के इसी पिंजड़े में डाल दिया। देखो जुआ बिना जा रहा, अपना खुल, अब यहाँ यही जाली लग जाए पूरे में तो आराम से उछले कूदे, इसमें झूल एक झुलवा टांग देंगे, उसी में अपने झुलवा में झुलवा झूलें। एक है हमारे यहाँ वो जानवर वाला, उसी को गड़वा देंगे, उसी में झूले बैठ के। ये देखो कोई आ जाए तो उसको छूने नहीं देते हैं, ये का सब खजाब अजाब देखो पूरा लगा के पूरा रंग करके सब तमाशा हुआ है। इतनी बुरी आदत पड़ गई है ना कि छोटे छोटे बच्चे चढ़ाते थे ये दौड़ा के काटता था, अभी किसी बच्चे को देखता है तो एक सेकंड में कहो पहुँच जाए काट ले उसको। अब काटने का मतलब कि जाओ इंजेक्शन लगवाओ, महीना दो महीना झेलो जाके, ऐसे एक इंजेक्शन हमारा बाकी है जी। चले रखें।